नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कर्क राशि, कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और ये रीडिंग 21 अगस्त से 27 अगस्त के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बातें कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं वो उनकी कैंसर के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं और उनसे क्या चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 21 अगस्त से 27 अगस्त के बीच। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, कैंसर अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में उन्हें टीम एफर्ट, टीम एनर्जी डालनी चाहिए या फिर किसी मदद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में उनको वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे उनके चाहे कैंसर ने उन्हें दुख दिया है या फिर उन्होंने कैंसर को दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया, किसी की वजह से भी ये रिश्ता खराब हुआ है, उनका दिल दुखा है, मन दुखा, लेकिन दोनों तरफ से ही ये रिश्ता खराब हुआ है, किसी एक ने ये रिश्ता खराब नहीं किया है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े रहना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। और उनको लग रहा है जब तक एक भी कॉल बाकी है, एक भी शॉट बाकी है, तो वो इस रिश्ते में एक मौका इस रिश्ते को ज़रूर देंगे। और क्योंकि ये समय का पहिया जो है उनके फेवर में धीरे धीरे करके आ रहा है, तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को धीरे धीरे करके उन्हें स्टेबल बनाना चाहिए, उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धोखाधड़ी के और बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ जो समय, जो वक्त चल रहा है उसे अच्छे अच्छे कामों में लगाना चाहिए, उसे यूटिलाइज करना चाहिए, बजाय कि इस समय को व्यर्थ कमाने के, बजाय कि इस में कोई गैम्बलिंग, कोई एडिक्शन वगैरह क्रिएट करने के। तो वो इस रिश्ते में जो कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो इस रिश्ते में टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, एक परिवार, एक फैमिली की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग या किसी की मदद लेकर, और वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, खड़ा रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे किसी ने भी रिश्ता ख़राब किया है, किसी एक की वजह से रिश्ता ख़राब नहीं हुआ, और जो समय का पहिया उनके फेवर में आ रहा है तो धीरे धीरे करके वो उसको यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने ये समय व्यर्थ कर दिया तो कभी भी दोबारा से शायद मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि समय का पहिया चलता रहता है, ये कभी किसी के लिए वेट नहीं करता, इंतज़ार नहीं करता। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं, उनको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, उनके पर्सन ने उन्हें बहुत हर्ट किया है, उनकी पीठ पीछे छुरा घोंपा, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक
उठकर वो चलना चाहते हैं, एक नया मौका इस रिश्ते को देना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत वो करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जो अंधेरी रात के बाद एक सूर्य की नई किरण होती है, वो प्रभात की जो नई प्रभात होता है, वो सूर्य की एक नई किरण, एक नई रोशनी लेकर आता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक मौका और देंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वो उम्मीद लगाए हुए हैं और वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक मौका और दें, और वो इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते में चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो ओवर इमोशनल्स इमोशन हो जाते हैं वो बार बार, जो जो जिन चीज़ों को वो अपने से चिपका रखते हैं, चाहे वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई रिश्ते नाते हो सकते हैं, कोई बातें हो सकती हैं, कोई पैसा मनी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें देते हैं, तो वो उनको वो चाहते हैं कि उनके पास जो कैंसर है वो जो उनके पार्टनर हैं वो इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, और समय के साथ फलों के साथ उन चीज़ों को बहने दें जो इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं। नहीं तो अगर वो ओवर थिंकिंग करते रहे, ओवर कंट्रोल करते रहे, चीज़ों को रिलैक्स नहीं किया, उनको नहीं छोड़ा, तो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। और वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, पुरानी बातों को ना कुरेदा जाए, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, तर्क वितर्क ना करें, जो समय चला गया, जो समय बीत गया, उन सब चीज़ों को छोड़कर उन पुराने दिनों को याद करें जो खुशियों से भरे होते थे, जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ खुशियां मनाने वाले होते थे। और वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और देंगे उनके पर्सन, उनके पार्टनर, तो ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है। तो वो इस रिश्ते में एक मौका और चाहते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहते हैं। तो देखते हैं कि कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। स्ट्रेंथ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रही हैं, सिचुएशन को टॉक्सिक बना रही हैं, जो इस चीज़ में ओवर कंट्रोल करा किया जा रहा है, बातों इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें एडिक्शन है, चाहे गैम्बलिंग की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो इस रिश्ते को, कोई फैमिली परिवार का या रिश्तेदार जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से वो निजात चाह रहे, महसूस कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़कर वो जो दो राहे पर खड़े हुए हैं, जो वो सोच नहीं पा रहे हैं, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो उन्हें उनका मार्गदर्शन कर सके, एक अच्छा रास्ता दिखा सके। करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ एक वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे इस एडिक्शन से, इस परेशानी से, इससे, तब तक वो बाहर नहीं आ पाएंगे, जब तक वो कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कैंसर है वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज और हिम्मत और साहस के साथ, इसमें जो दोहराए पर खड़े हुए थे, एक मन एक विचार बना करके, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, उन एडिक्शंस को, उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफों को ख़त्म करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तब तक वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं कि वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, कैंसर क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द सन, एस ऑफ वांड्स एंड एट ऑफ वांड्स। तो वो हैप्पीनेस चाहते हैं इस रिश्ते में, खुशियां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन है वो एक बच्चे की एनर्जी में रहे, हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें, मग्न रहें, और बच्चों के साथ खेलें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, और अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने बच्चे जो जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, लॉयल होता है, उस तरह की एनर्जी में रहें वो। द
ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमक सके, फ्रूट फूल हो सके, कामयाब हो सके। और वो इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अगर एक दूसरे के साथ मिलकर एक कम्युनिकेशन होती है, बातें खुलकर होती हैं, चाहे अगर वो फॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं उनके पार्टनर, तो वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हो, फ़ोन कॉल के थ्रू हो या इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। और अगर उनके पास समय है, वक्त है, तो वो चाहते हैं कि टूर ट्रैवल करके वो उनके पास आएँ और उनसे सामने से मिलें। और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके या वो ऑप्शन वो देखना चाहते हैं, वो ऑप्शन इस रिश्ते में वो इस रिश्ते में उन ऑप्शंस के साथ काम करना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं जो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बना सके, कामयाब बना सके, नेम और फेम दिला सके। तो वो यही चाहते हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, अपने इनर चाइल्ड को जगाएं और इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन करें और उनके आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, ऐसा वो चाहते हैं। तो देखते हैं, सॉरी गाइस, हाँ, तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है। कैंसर के लिए आउटकम क्या रहेगा, सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द टावर। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीज़ें इस रिश्ते में टूट रही थी, फूट रही थी, खराब हो रही थी, ये रिश्ता खराब हो रहा था, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, सेपरेशन, दूरियां, बाधाएं आ रही थी, तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि उन चीज़ों से बाहर निकलकर, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फिर भी रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, एक मन एक विचार बना करके, अगर वो क्योंकि इस भ्रम जाल से, इस माया जाल से वो बाहर निकल कर इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई देंगे। उनको लगता है कि समय को थोड़ा सा समय वक्त देना चाहिए, जो नेगेटिव समय है, जो वक्त है, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा और एक सेपरेशन, दूरियां, बाधाएं जो थी इस रिश्ते में वो ख़त्म हो जाएंगी और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, या तो उन्होंने खुद गलती नहीं की या फिर उनके पर्सन ने गलती नहीं की है, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत, इस परेशानी से बाहर निकल कर थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, ताकि जो ये रिश्ता खराब हो रहा था, इसमें बदलाव आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, सेपरेशन, दूरियां, बाधाएं आ रही थी, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक मन एक विचार करके, रुक कर ठहर कर कन्फ्यूज़न, दिक्कत से बाहर निकल कर वो इसमें जस्टिस ला रहे हैं, या फिर इसका आउटकम है वो जस्टिस बता रहा है, यूनिवर्सिटी गाइड कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत जल्दी जस्टिस आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स करना शुरू नहीं किया तो आज ही कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, वीडियो बनाने में खुशी होती रहे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।